से सुरभी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेरी नजर से मैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ, टैक्सी पे बैठी हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं टैक्सी में बैठी हूँ और जा रही हूँ, आज शूट है मेरा और तो वहाँ जा रही हूँ। तो सोचा मुंबई छोड़ने से पहले एक शूट आया है मेरा, तो मैं वो शूट पे जा रही हूँ, उसका पूरा अपडेट आपको दे दूंगी। मेरी सेल्फी स्टिक होशंगाबाद में छूट चुकी है, तो मैं अभी हाथ से ले रही हूँ, तो उतना लुक नहीं आएगा, दूरी उतनी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो उसको आप बियर कर लो। और मिलती हूँ मैं आपको फिर नए गांव में मेरा शूट है, तो चलते हैं। लेट मैं हो चुकी हूँ और 2 बजे का मेरा कॉल टाइम था और अभी तो यही है, और ड्राइवर भैया बता रहे हैं कि आपको 1 घंटा 1.25 घंटा लगेगा, तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भैया। अरे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अभी नहीं लूंगी भैया, अभी नहीं लेना मेरे को प्लीज। तो जा रही हूँ मैं और आपको सीधे मिलती हूँ। वैसे मैं ट्रेन से जा सकती थी, लेकिन मुझे मैंने ऐसे कैलकुलेशन अपने मन में बिठाया कि मैं यहाँ से जाऊँगी, ऑटो पकड़ूंगी, फिर अंधेरी के स्टेशन पे बैठूंगी, फिर वहाँ पर मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन से स्टेशन से नए गांव के लिए मिलती है, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहीं की वहीं पहुँचूँ जहाँ मुझे ऑन द स्पॉट डेस्टिनेशन पर पहुँचा दें। तो मेरा कल का भी शूट है और आज का भी शूट है, तो कल मैं ट्रेन से पैसे बचा लूँगी और कल मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, थोड़ा जल्दी भी निकल जाऊंगी, चीज़ें मुझे पता होंगी। अभी अचानक से कॉल आया तो फटाफट सामान रखना, ये सब करना, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं टैक्सी से पकड़ चली जाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टैक्सी से भी जाने से कुछ ज़्यादा मैं बहुत जल्दी पहुँचने वाली नहीं, क्योंकि ट्रैफिक ये है ना, ये वाला टाइम ऑफिस आवर्स होते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। और अब मेरा हाथ दुख रहा है, तो मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगी, तो मैं आपको सीधे मिलती हूँ नए गाँव में। पहुंच चुकी हूँ और अभी लंच टाइम है, तो मुझे पता नहीं है सब लोग कहाँ पर हैं, तो मुझे ये बोला गया है कि आप सीधे चले जाओ, तो मैं सीधे जाऊंगी और देखते हैं कहाँ पर, वहाँ बोला है कोई मिलेगा, तो देखते हैं कहाँ क्या मिलेगा। तो पहले मैं अपना पर्स रख लूँ, यार मुझे पता नहीं है यार, अभी तैयार भी होना है और चीज़ें बहुत अजीब सी हो रही हैं। मैं बहुत लंबे टाइम बाद मैं शूट पर आई हूँ, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो गए थे, तो बस अब मैं चलती हूँ। मैं जब तक आपको बताती हूँ कि ये सेट है, सीधे बोला है मुझे, सीधे चलने को बोला है, तो यहाँ तो अभी देखते हैं, बोला है मुझे मिसेस, मेरा कैरेक्टर है मित्तल, ये एक रूम है, यहाँ सीधा तो मुझे तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, अभी देखती हूँ मैं। कहाँ है यार, मुझे यहाँ कोई मिला नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर शायद लंच चल रहा है, उसकी वजह से आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। स्टूडियो नंबर 2 बोला है, ये मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो नंबर 2, ये दो और यहाँ मेरा शूट है। मुझे मालूम नहीं, ये शायद हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ है। मैं आ चुकी हूँ और ये मेरा रूम है, अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया मेकअप, मेरा मेकअप करने के लिए, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और मैं क्यों जल्दी भगकर आ गई मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, आराम से आती ना, 2 बजे का मेरा कॉल टाइम कर दिया था। मेरा भी सीन लगने वाला है और ये दीदी मेरा हेयर करेंगी, उसके बाद मेकअप तो खैर क्या होगा मेरा, मैं बीमार बनी हूँ और मैंने उनसे कहा भी कि सुंदर वाला बीमार बना दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सुंदर वाला बीमार कोई नहीं होता, बट ठीक है चलो। उसके बाद अभी तो ये है, अगर मैं आप लोगों को ख़राब सी दिखूं तो ये मत सोचना कि अरे आपकी क्लिप है, हाँ कि मैं इतनी ख़राब दिखती हूँ, मेरे को मेकअप
काम कर रहा है तो इधर आ जाते हैं। आओ गया? नहीं नहीं वो काम कर रहा है, ये तो आदत आ गई। हाँ बाकी सब जगह तो बुलाते थे, लाते थे हमें चाबी। अच्छा लॉक किया आपने? हाँ जी। आए के ले जाओ। मैं जा रही हूँ साइन करने, और मैं अंदर थी तो बहुत ज्यादा गर्माहट थी, और अब यहाँ पर ठंडक है, और यहाँ पर हमें साइन करना होता है, मतलब एक तरह से अटेंडेंस लगानी पड़ती है तभी पेमेंट मिलता है। तो कहाँ जाना है भैया? और ये है धड़कन सीरियल का जो हॉस्पिटल है ना, जो हम हॉस्पिटल देखते हैं, ये वो हॉस्पिटल है। तो सब कुछ सीरियल में कितना अरेंजमेंट ऐसा लगता है, और यहाँ आप देखो कितना सब इस कोने में इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, और अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ रूम्स हैं। तो बस अब मैं साइन करने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपनी अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है, तो वो मैं लगा रही हूँ। तो आपको मैं यहाँ का माहौल दिखा रही हूँ, शूटिंग का माहौल दिखा रही हूँ। ये हॉस्पिटल है, चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिए हैं कि हॉस्पिटल कैसा होता है, और यहाँ चल रहा है शूट। दीपिका कैरेक्टर है, इसको मैं हमेशा से पसंद करती आई हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि इसके साथ मेरा सीन है। तो वो मुझे मालूम नहीं है कि मेरा शूट होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग शूटिंग के मज़े लो कि शूटिंग कैसी होती है। भाई यहाँ पर शूटिंग चल रही है, और मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा सीन आएगा, बट आए ना आए मुझे क्या करना, मेरा तो साइन हो गया है तो मुझे तो आज का पेमेंट मिल जाएगा। और यहाँ ठंड लग रही है, मुंबई में भी ठंड पड़ने लगी है, ठंड है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं साइन कर कर आ गई हूँ, और वापस अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर इतना सारा माहौल हो रहा है, वो आप देखो कि एक शॉट लगने वाला है, उसकी तैयारी कैसे हो रही है, मतलब बाकायदा नकली मरीज़ बनाए जा रहे हैं, नकली नर्सेस तैयार हो रही हैं, कैमरा सेटिंग हो रही है, लाइट सेटिंग हो रही है, और सब अपना काम कर रहे हैं। तो मतलब एक सीन लगने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, ये आप देखो। और आप भी देखो, मैं पीछे से जा रही हूँ। तो अब हमारा सीन लगने वाला है, और सोचा था कि इस शूट का मैं दो ब्लॉग बना लूँगी, लेकिन नहीं बना पाई। मैंने सोचा एक में ही कर लेती हूँ, कौन इतनी एडिटिंग करेगा। तो बस अभी मेरा शूट होने वाला है, और ये मेरे साथ हैं जिनके साथ मेरा शूट होगा। तो मैं कैमरा चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे अपने कैमरे को घुमा देती हूँ, आप लोग देख लो, और जब भी आएगा ये सीन मैं आपको बता दूंगी। और जिनसे आपको मिलाने वाली, आई एम श्योर आपने उनको बहुत जगह देखा है, और पर ये पर्सनली मैं इन्हें जान रही हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये इतनी हेल्पिंग और उस नेचर की हैं कि क्या बताऊं। हाँ जी, चाय के हम बहुत ज्यादा शौकीन हैं, यूपी वाले हैं, चाय कभी भी पिलाओ, है कि नहीं। तो मैं आपको मिलाने वाली हूँ जेंटेड एंड सोनिया से। हाय, ये आप इसको देख लो, ये आप बहुत जगह आपने इसको देखा होगा। और तो हमारा शूट लगने वाला है, और मैं जा रही हूँ सेट पर, और देखते हैं कैसे क्या होता है, सब तैयारी में लगे हुए हैं अपनी, कैसे करना है। और बाल ठीक है मेरे, है ना, यहाँ से ढीला तो नहीं हो रहा, क्योंकि क्लिप्स नहीं थी मेरे पास। हाँ ठीक है, मेरे पास क्लिप्स नहीं थी ना, तो चले। मैं मिसेस मित्तल तो रेडी हो गई है, और पता है आपको मैं कितनी पंचुअल हूँ, 8 बजे आ गई, गेट ही मैंने खुलवाया, देखो पंचुअल। तो मैं जा रही हूँ, और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ये लंबे लंबे सीन्स लग रहे हैं, आप देखो ऐसे। दुआ करो यार कि मैं कुछ भी ना भूलूं। चलो अब मैं आपको मिलती हूँ बाद में, देखती हूँ कहाँ बिठाया जाएगा, कहाँ क्या, जब तक हो सकता है बना लूँ मैं अपना। कहाँ जाना है भैया? वहाँ पर लेट जाए नहीं तो ये ऊपर कर लूँ क्या? हाँ ऊपर कर लूँ।
किस साइड जाना है? यहाँ? तो ये हमारा हॉस्पिटल का सीन है और मुझे मालूम नहीं, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत देखा होगा क्योंकि मैं तो ये सीरियल बहुत ज़्यादा देखती थी, मतलब बिना छोड़े। अब इनमें से कहीं मेरा बैठ आएगा तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं पहले कुछ याद कर लेती हूँ, वरना आप लोगों को दर्शन कराते कराते मेरा दर्शन ना हो जाए। ये आप देखो कैसे लाइट्स लग रही हैं। अभी मेरा सीन हो गया है, मालूम नहीं आपके पास कितनी मेरी आवाज़ आ रही होगी, और अभी बगल में दूसरे सीन का क्लोजअप चल रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा सीन आएगा, कोई मिल नहीं रहा यार कि मैं अपना शूट करवा लूँ कुछ है। अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, बाद में मिलती हूँ। ओके, ये हो गया। अब हमारा थोड़ा सा ब्रेक टाइम हुआ है, ब्रेक टाइम का मतलब ये है कि अब सीन चेंज कर रहे हैं, बेड चेंज कर रहे हैं, लाइट चेंज कर रहे हैं, तो हमारा ऐसे ही ब्रेक टाइम हो गया। जब तक मैंने सोचा कि ये सब हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सीन दिखा देती हूँ, लोकेशन दिखा देती हूँ, और अब हमें बुलाने के लिए आ गए हैं कि अब हमारा क्लोजअप कटने का टाइम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं वापस सीन पर। और अब यहाँ पर मेरा कट रहा है सीन। ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन लोगों को लगता है ना कि शूट बड़ा आसान होता है, उतना आसान होता नहीं है। मुझे हेयर क्लिप चाहिए, दो तीन हेयर क्लिप चाहिए, बाल बार बार गिर रहे हैं, ये ना है। तो मेरा सीन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मालूम नहीं कैसा हुआ है, बस चलो ठीक है अभी रूम में जाते हैं फिर बात करते हैं। मेरा शूट ख़त्म हो चुका है, उस वक्त मैंने ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया कि एकदम से घर भागने की पड़ रही थी, तो अभी मैं लिफ्ट से घर जा रही हूँ। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बस अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो गाइस ये शूटिंग में बिताए हुए कुछ हसीन पल हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इतनी सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार छोटा सा रोल है बस, लेकिन ये कितनी फ़ख्र की बात होती है कि हम इतनी एक्सपीरियंस आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं।